तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि YouTube पर आप कैसा बना रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, आप क्या बना रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने गलत टॉपिक चुन लिया, गलत टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर आप बना रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं कि अभी YouTube पर क्या मारामारी है। YouTube पर ये मारामारी है कि दोस्तों हर दूसरा नंबर का आदमी जो है वो यूट्यूबर बनना चाहता है, यानी कि 100 में से दोस्तों यहाँ पे 50 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अभी उनको क्या है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो वो क्या सर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। ठीक है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, अभी वो सर्च करते हैं तो क्या होता है कि उस तरीके का बहुत वीडियो आता है और उस वीडियो को आप जो है वो खुद क्रिएट करते हैं तो लोग आपके वीडियो को देखते हैं। अभी समझिए दोस्तों कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपने किसी अलग कैटेगरी के ऊपर बना दिया वीडियो, जैसे कि मान लीजिए आपने बना दिया कि यूट्यूब क्या है, ठीक है, ऐसा आपने बना दिया, यूट्यूब का इन्वेंशन किसने किया, इस तरीके का वीडियो अगर आप बना रहे तो क्या होता है कि आपकी वीडियो पे उतना ज़्यादा व्यूज नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग उस चीज़ को सर्च नहीं करते। सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि लोगों को अभी चाहिए क्या, क्या मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको पता चल गया कि डेली वीडियो का आपका टॉपिक कौन सा होने वाला है, तो दोस्तों आप YouTube पर बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। तो डेली वीडियो का टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों YouTube आपको खुद बताता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। आप अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो मैं आपकी वीडियो को रिकमेंड करूँगा, YouTube रिकमेंडेशन सेक्शन पर भेजूँगा। लेकिन आपको करना क्या है, आप खुद पहले एनालाइज करो, एनालिटिक देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ, तब जाकर आप जो है वो ज्यादा व्यूज पा पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को वही चीज बताने वाला हूं कि आप डेली कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे, ये YouTube आपको खुद बताता है। तो उस चीज को आप देखिए, समझिए और उस चीज के ऊपर आप वीडियो बनाइए। अगर आप ये काम करते दोस्तों तो आपको लाखों में व्यूज देखने के लिए मिलेगा। आप कोई भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाते तो नहीं चलने वाला। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर से मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया। ठीक है, YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटेंट पे जा करके दिखाते हैं कि कंटेंट पे देखिए कि यहाँ पे हमारा सारा वीडियो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सभी वीडियो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल कितने नंबर पर बनता है, कैसे क्या बनता है, कार्टून वीडियो कैसे बनता है, अर्निंग इतना है, RPM कैसे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना है ना, मतलब कि स्मार्ट तरीका कहने का मतलब है कि आपको व्यूज़ के ऊपर फोकस करना है कि व्यूज़ कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले एनालिटिक पे जाएंगे दोस्तों। एनालिटिक जाने के बाद यहां पे मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो मैं दिखाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, और डेली आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तब जाकर के आपका वीडियो बहुत तेजी से वायरल होगा। सबसे पहले दोस्तों रिसर्च वाले सेक्शन पे जाते हैं। रिसर्च वाले सेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहां पे टॉप सर्चेस पे जाते हैं। टॉप सर्चेस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपका डेली जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, डेली जब चेंज होगा, क्योंकि डेली जब जिस तरीके का सर्चेस आता रहेगा तो चेंज होता रहेगा। सबसे पहले आप वीडियो बनाएंगे न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन 2023, इसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे यूट्यूब मोनेटाइजेशन सक्सेसफुल, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे अभी क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है, मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज यानी कि चैनल को कैसे मोनेटाइज करें, मोनेटाइज कब होगा, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मोनेटाइजेशन न्यू अपडेट, हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब, यूट्यूब मोनेटाइजेशन इंडिया, हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल 2023, शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन न्यू अपडेट, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो टॉप सर्चेस दिखेंगे ना, अगर आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप सर्चेस पे यहाँ पे आपको नीचे भी देखने के लिए मिलेगा ये कैंपेन है। ठीक है, अभी मैं इसको बैक करता हूँ, ये यूट्यूब ओपन हो गया। यहाँ पे कैंपेन है, टॉप सर्चेस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर थ्रू गूगल एड्स, तो इस तरीके का जो है वो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं टॉप सर्चेज, यानी कि आपको सबसे पहले किस पे आना है, सबसे पहले आपको आना है एनालिटिक पे। ठीक है, एनालिटिक पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिसर्चेज पे जाना है। रिसर्च पे जाने के बाद ही यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। दिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे आपका वीडियो वगैरह सब कुछ दिखेगा। एनालिटिक पे जाएंगे, एनालिटिक पे वीडियो दिखेगा। तो सबसे पहले आप YT स्टूडियो को सही से चलाना सीखें, इसको आप देखें, इसको आप समझें कि आखिर ये क्या बोलता है नहीं बोलता। यहाँ पे आप ऑडियंस पे जाना है। ऑडियंस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो है वो व्यूअर किस तरीके का यहाँ पर से देख रहा है, चैनल दैट योर ऑडियंस वॉच्ड, अब इस पर क्लिक करेंगे तो यानी कि आपके ऑडियंस कौन कौन चैनल जो है वो देख रही है। तो दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज करेंगे तभी जा करके आप यूट्यूब पर सक्सेस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आपको यूट्यूब पर काम करना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक उठाया उसके ऊपर वीडियो बना दिया, व्यूज नहीं जाने लगा दोस्तों तो आप परेशान हो गए, डिमोटिवेट होकर के यूट्यूब छोड़
दी, नहीं, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते तभी जाकर के आपको यूट्यूब पर सक्सेस एंड व्यूज दोनों मिलने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको समझाया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही साथ करते जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।